DIPS आप सभी का आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत करता है। आखिर ब्लड ग्रुप कितनी तरह के होते हैं, इन्हें कैसे तय किया जाता है और ओ ब्लड ग्रुप को क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, आज जानिए सब कुछ। आमतौर पर ब्लड ग्रुप 8 तरह के होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। किस व्यक्ति का क्या ब्लड ग्रुप है ये एंटीजन से निर्धारित होता है। खून जिस लाल रक्त कोशिकाओं से बना होता है उनके ऊपर प्रोटीन की एक परत होती है जिन्हें एंटीजन या आरएच कहा जाता है। आरएच या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। ब्लड टाइप ए में सिर्फ एंटीजन ए होते हैं, ब्लड बी में सिर्फ बी, ब्लड ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं और टाइप ओ में दोनों ही नहीं होते। आइए बताते हैं क्यों ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों में ना तो एंटीजन ए बी होते हैं और ना ही आर एच डी। इस कारण से ये ब्लड ग्रुप किसी भी अन्य ग्रुप में आसानी से मिक्स हो जाता है, यानी ओ ब्लड ग्रुप वालों का खून किसी को भी आसानी से चढ़ाया जा सकता है। इस कारण से इस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। हालांकि रियल यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप किसी को भी आसानी से चढ़ाया जा सकता है, जबकि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिर्फ ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव को ही चढ़ाया जा सकता है। अगर कोई कैंसर, मिर्गी, अस्थमा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आदि से जूझ रहे हैं तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। और हाँ, पिछले एक साल में टैटू या एक्यूपंचर थेरेपी ली है तो ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। DMLT, DOTT, DRIT, ANM, GNM और BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें DIPS मयूर विहार फेस 1 दिल्ली, और आप हमारी वेबसाइट www.dipsindia.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।